2023 बॉलीवुड सितारों के लिए नई जिंदगी के तौर पर आया और इन सितारों की किस्मत चमका दी। डूबते करियर को 2023 के फिल्मों ने फिर से चमका दिया। लगातार फ्लॉप हो रहे स्टार्स की 2023 में हुई नई अपार। कोरोना महामारी के बाद इस साल 2023 बॉलीवुड के लिए सबसे अच्छा साल रहा। इस साल हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री की कई फिल्में हिट से लेकर ब्लॉकबस्टर हुई। यहां यह साल बॉलीवुड के लिए लकी साबित हुआ तो वही कई सितारों को भी इस साल ने नई जिंदगी बख्शी है। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ती। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में बोली गई पंकज त्रिपाठी की ये लाइन हमारी असल जिंदगी से काफी सटीक बैठती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए या फिर कोई भी चीज हम पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए लगातार शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद एक ना एक दिन वो मेहनत जरूर रंग लाती है। बता दें कि कई ऐसे फिल्म सितारे हैं जो लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर चल रहे थे या फिर उनकी फिल्में लगातार पिट रही थी। साल 2023 ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और ये मुमकिन हो सका सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से। वही बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, तो साल 2018 के बाद वह फिल्मों से दूर चल रहे थे, लेकिन 2023 में उन्होंने पठान के साथ दमदार वापसी की। फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद जवान आई, जिसने पठान से भी ज्यादा पैसे कमाए। शाहरुख ने बैक टू बैक दो ब्लॉकबस्टर दिए। वही अब साल 2023 के आखिर में उनकी डंकी रिलीज हो रही है और उसको लेकर भी कयास लग रहे हैं कि वो फिल्म भी सक्सेसफुल होगी। बता दें कि साल 2023 सनी देओल के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। दरअसल साल 2001 में रिलीज हुई इंडियन के बाद उनकी कुल 32 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन कोई भी फिल्म हिट नहीं रही। एक फिल्म एवरेज और एक सेमी हिट हुई, बाकी सभी की सभी फ्लॉप रही। लेकिन इस साल उन्होंने गदर 2 लाकर सच में गदर मचा दिया। फिल्म ने लगभग 550 करोड़ की कमाई की। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम भी देओल परिवार से ही है, वो है बॉबी देओल। बॉबी का फिल्मी करियर लगभग 28 सालों का हो गया है। उन 28 सालों में उन्होंने पॉपुलैरिटी तो खूब हासिल की, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में चल नहीं पाई। लेकिन 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई एनिमल ने उनकी किस्मत ही बदल कर रख दी। इस फिल्म में 10 मिनट के रोल से उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया है कि वो हर तरफ छा गए और अब उन्हें लॉर्ड बॉबी कहा जाने लगा। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट आने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।